मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आज पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को इंटेलिजेंस फेलियर बताया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, अमृतपाल की संस्था वारिस पंजाब दे के लीगल एडवाइजर इमान सिंह खारा ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की। याचिका में दावा किया गया कि अमृतपाल पंजाब पुलिस की अवैध हिरासत में है। इमान सिंह ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट से मांग की, पंजाब पुलिस के अफसरों को आदेश दिए अमृतपाल को कोर्ट में पेश किया जाए। इस मामले पर 4 दिनों बाद फिर से सुनवाई होगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अमृतपाल समर्थकों का पूरा डर है, अमृतपाल का एनकाउंटर हो सकता है। जो अमृतपाल कुछ दिनों पहले तक बड़ी बड़ी बातें करता था, बेखौफ अंदाज में डराने वाले बयान जारी करता था, उसे अपनी जान बचाकर भागते पूरा देश पिछले कुछ घंटों से देख रहा है। पुलिस फोर्स का सामना करने के बजाय अमृतपाल अपनी जान बचाकर भाग रहा है। उसकी फौज के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए भागते नजर आ रहे हैं। अब समर्थकों को अमृतपाल की मौत का डर सता रहा है। उनके समर्थकों को डर है कि पुलिस अमृतपाल का कहीं एनकाउंटर ना कर दे। और इस पूरे मसले पर सबसे ज्यादा किसी की फजीहत हुई है तो वह है पंजाब के मुख्यमंत्री। करीब 6 महीने में अमृतपाल बड़ा कैसे बन गया, उसका नाम कोई नहीं जानता था। अमृतपाल ने अपने खालिस्तानी एजेंडे को इतना विस्तार कैसे दिया? साफ लगता है कि इस खतरे को भांपने में मान सरकार से भारी चूक हुई। और जब मामला इतना ज्यादा बढ़ गया तब मान सरकार जागी। अब जब केंद्रीय एजेंसियों की मदद से पंजाब पुलिस अमृतपाल को समेटने में जुटी है, अब जब बेहतर नतीजे नजर आने लगे तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान का कॉन्फिडेंस भी इस वक्त हाई नजर आ रहा है। उन्होंने इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूरी दुनिया में रहने वाले पंजाबियों को भरोसा